हिमांशी खुराना और आसिम रियाज के प्यार की कहानी बिग बॉस सीजन 13 में शुरू हुई थी। लगभग 4 साल तक एक दूसरे को डेट करने के बाद हाल ही में बीते दिन पंजाबी सिंगर ने आसिम रियाज से ब्रेकअप का खुलासा किया। लंबे समय से चली आ रही खटपट के बीच बीते दिन 6 दिसंबर को हिमांशी ने अपने ट्विटर पर आसिम रियाज के साथ अपने ब्रेकअप की जानकारी देते हुए एक बड़ा बयान शेयर किया। उन्होंने आसिम रियाज के साथ अपने ब्रेकअप की वजह धार्मिक मतभेद बताया, जिसके बाद एक्ट्रेस और पंजाबी सिंगर को सोशल मीडिया पर काफी ट्रोलिंग का सामना भी करना पड़ा। अब हाल ही में सोशल मीडिया पर लगातार मिल रहे हेट के बाद हिमांशी ने ट्विटर को अलविदा कह दिया है, लेकिन उससे पहले उन्होंने आसिम रियाज के साथ हुई चैट को खुद ही लीक कर दिया, जिसके जरिए उन्होंने ये बताया कि उनका बताया रीजन बिल्कुल भी गलत नहीं है। दरअसल सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने उन्हें ये कहते हुए ट्रोल करना शुरू कर दिया कि ब्रेकअप का सही कारण वो नहीं बताना चाह रहे, जिसकी वजह से वो धर्म का कार्ड खेल रहे हैं। जिसके बाद हिमांशी ने एक लास्ट स्टेटमेंट अपने और आसिम से ब्रेकअप के बाद शेयर किया और सोशल मीडिया छोड़ दिया। उन्होंने अपने स्टेटमेंट में कहा, ये मेरा आखिरी और फाइनल स्टेटमेंट है, जिससे मैं सबको ये क्लियर करना चाहती हूँ कि मैं एक धर्म निरपेक्ष इंसान हूँ, तो इसीलिए मैं किसी भी धर्म का अपमान नहीं करती, मैंने बस अपना छुआ है। अगर मैं ये नहीं चाहती कि आप में से कोई भी उसको ब्रेकअप के लिए ब्रेक करे, तो मैं ये भी नहीं चाहती कि मेरे खिलाफ बकवास हो। मेरे पास रिलेशनशिप में मैं चुप थी, इसीलिए मैंने सारा ब्लेम खुद पर लिया। यहाँ भी मैंने वही करने की कोशिश की, लेकिन माफ करना, लोगों ने इसे दूसरे तरीके से ही लिया। वेल, ब्रेकअप के बाद धर्म को लेकर हो रही ट्रोलिंग के बाद हिमांशी ने आसिम के साथ हुई बातचीत का भी पर्सनल स्क्रीनशॉट शेयर किया है, जिसमें आसिम और हिमांशी के साथ ब्रेकअप के रीजन पर बात करते हुए दोनों नजर आ रहे हैं। इस चैट में क्या कुछ लिखा है आप भी जरा देखिए। सामने इस चैट में आसिम और हिमांशी की चैट नजर आ रही है, जिसमें आसिम ने लिखा है, सही है, यू शुड एक्चुअली राइट द रियल रीजन अबाउट दैट वी कम फ्रॉम अ डिफरेंट रिलीजन, वी बोथ हैव डिफरेंट बिलीव्स, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट्स टू हिज एंड माइन रिलीजन एंड नॉट सीन एनी फर्दर टुगेदर। जिसके जवाब में हिमांशी ने लिखा था बट रिमूव किया। आसिम लिखते हैं, वी हैव पार्टेड वेज। वही हिमांशी ने जवाब देते हुए लिखा, बिकॉज वो तुम्हें टारगेट करता। और इसके बाद आसिम लिखते हैं, बिल्कुल भी नहीं, 1% भी नहीं। बता दें कि आसिम रियाज और हिमांशी खुराना बीते दिनों अपने ब्रेकअप की खबर को लेकर चर्चा में आए थे। दोनों के मनमुटाव की खबरें तो मीडिया में कई बार आई थी, लेकिन जब कुछ महीने पहले हिमांशी को आसिम के साथ एयरपोर्ट से निकलते हुए देखा गया था, तो फैंस को लगा कि दोनों के बीच में सब कुछ ऑल इज वेल है। हालांकि अब दोनों ने अपने ब्रेकअप का ऐलान कर दिया है। हिमांशी ने जिस तरह से ट्विटर से ब्रेक लिया है, उससे साफ जाहिर होता है कि लोगों के कमेंट्स उन्हें काफी इफेक्ट कर रहे थे। लेकिन अब देखना तो ये है कि आखिर हिमांशी ट्विटर पर फिर कब वापसी करेंगी।